सबको मेरी सुबह सुबह की नमस्ते। और अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। जब हम घर से निकले थे तो 5:30 हो गए थे, तो 1 घंटा हो गया हमें घर से निकले हुए। अब तो सूर्य देव भी निकल आए हैं, चारों तरफ रोशनी हो गई है। और देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। सुबह सुबह सूर्य देव के दर्शन हो गए हैं। और आज सुबह सुबह आप सोच रहे होंगे ममता कहाँ जा रही है, तो मैं आपको बता दूं, आज हम जा रहे हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। और ये राजस्थान के चूरू जिले के सालासर नामक जगह पर स्थित है। और ये सालासर बालाजी का मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। और जितना ये मंदिर अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही इस मंदिर की स्थापना भी चमत्कारी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मंदिर की स्थापना के बारे में तो आगे बात करेंगे, और अभी हम चलते चलते एक जगह पर रुक गए हैं। यहाँ एक ढाबा है रोड किनारे, और यहाँ है ये रेत का टीला बहुत बड़ा, और ऊपर देखिए ऊंट खड़ा है कितनी ऊपर जाकर टीले के बिल्कुल चोटी पर। और यहाँ देखिए बहुत सारे ऊंट हैं और सब सजे धजे हैं, लगभग 7-8 ऊंट हैं अभी तो। यहाँ मैंने बात की तो ये बता रहे थे कि शाम को ना यहाँ पर लगभग 30-40 ऊंट हो जाते हैं, यानी मतलब ऊँटों का ना मेला टाइप का लग जाता है, और एक से बढ़कर एक सजे हुए। और फिर यहाँ पर जितने भी यात्रीगण होते हैं सब रुकते हैं, यहाँ चाय पानी पीते हैं और इन ऊँटों पर बैठ बैठ कर सवारी करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, सबको बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया से ऊँट को सजा रखा है। मैं भी देख रही हूँ भाई, मुझे तो बड़ा डर लगता है ऊँट पर बैठने में। मैं तो 1-2 बार ही बैठी हूँ, मेरी तो बस जान निकल गई थी जैसे ये उठता है, ऊपर खड़ा होता है तो बड़ा अजीब लगता है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना चारों तरफ, ये रेत ना बड़ा अच्छी है, मतलब पैरों पे लग जाती है तो झड़ जाती है। और देखिए यहाँ का व्यू भी ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बस हमारी चाय भी आ गई है गर्मा गर्म, और ये तो पी रहे हैं चाय, मज़े आ गए इनको चाय पी के, और मुस्कुरा रहे हैं, मज़ा आ गया है। सुबह से बाइक चला रहे थे, एक्चुअली हम अपनी बुलेट पर ही जा रहे हैं सालासर जी के दर्शन करने के लिए। और देखिए चाय तो अच्छी लग रही है, मुझे भी मज़ा आ गया है देख कर ही चाय को, अच्छा कलर लग रहा है तो अच्छी ही होगी, इनको तो बड़ी पसंद आई। वही चाय पी के ना पूरी थकान उतर जाती है, कब से चले हुए हैं हम। और बस चाय पी के मैं भी ना इस रेत के टीले पर ऊपर चढ़ गई थी, ऊपर से देख कर आई हूँ, इतना सुंदर आसमान लग रहा है ना। और नीचे उतरकर मैं देख रही हूँ, देखिए ऊपर वो ऊँट खड़ा है और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये ऊपर जाकर व्यू देख रहे हैं ऊपर से। और बस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और बिल्कुल रोड साइड साइड देखिए ये वही टीला है, इतना बड़ा है ऊपर से और साइड से एकदम स्लोप है, तो ये इसके साइड से ही हम निकलते जा रहे हैं। और सूरज भी थोड़ा और ज़्यादा निकल गया है, तो थोड़ा सा धूप लगने लग गई है। और ये देखिए मैं आपको रास्ते में दिखाती जा रही हूँ, सब लोग जा रहे हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। और पता है वहाँ पर लोग ध्वजा चढ़ाते हैं और लोग पैदल जा रहे हैं, ये सब इन्होंने बोला हुआ होता है कि हम आपके दर्शन करने के लिए पैदल आएंगे, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार सब जाते हैं वहाँ पर बालाजी के दर्शन करने के लिए और ध्वजा चढ़ाकर आते हैं। जिसने जो बोला हो वही वो वहाँ पर चढ़ाते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं बालाजी महाराज, तो ज़रूर आप भी यहाँ पर आना। ये देखिए कितना लोगों में श्रद्धा, देखिए धूप पड़ रही है फिर भी लोग पैदल जा रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी ध्वजा चढ़ाने के लिए। इसको डाक ध्वजा भी बोलते हैं, मतलब दौड़ के भी लोग जाते हैं जो वहाँ बालाजी के वो ध्वजा चढ़ाते हैं। उन्होंने कुछ टाइम लिमिट बांधा होता है कि इतने टाइम में जाना है, और लेडीज़ भी जा रही हैं। और पता है कुछ लोग तो यहाँ पर नंगे पैर जाते हैं, नंगे पैर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं, लेडीज़ भी बहुत सारी ऐसी हैं जो नंगे पैर जाती हैं। ये देखिए हर किसी के हाथ में ध्वजा है, अपना ग्रुप बनाकर भी जाते हैं, कोई अकेले भी जाता है, अधिकतर लोग ग्रुप में ज़्यादा जाते हैं जब पैदल जाते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी ध्वजा है, ये इनकी श्रद्धा है कि ये क्या चढ़ाएंगे वहाँ पर, कैसे दर्शन करके आएंगे। ये देखिए ग्रुप में जा रहे हैं, और जय श्री राम भी इस पर लिखा हुआ है, और बालाजी की प्रतिमा भी इस पर बनी हुई है।
तो ये देखिए सबके हाथों में ध्वजा देखिए, और हमारा तिरंगा भी है वहाँ पर, इसको भी वहाँ पर लगा के आएंगे। और सब जय श्री राम बोले जा रहे हैं, और लेडीज़ देखिए सबके साथ, ये सब ग्रुप है इनका। और भी मैं आपको लेडीज़ दिखाती हूँ, जो हमारे राजस्थान का पहनावा है वो ये पहने हुए हैं, लहंगा चुनरी वगैरह। और बस ये भी वहाँ बालाजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जो लोग पैदल जाते हैं ना, वो प्रेफर करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट में ज़्यादा यहाँ पर चलें, ताकि धूप कम लगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है। और ये देखिए पूरा सजा रखा है, डीजे वीजे ले रखा है, और बजरंग बली के गाने बजाते हुए यहाँ पर जा रहे हैं। ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली भी जा रही हैं, भर भर के जाते हैं। और यहाँ सुबह शाम ये रेला चालू रहता है, सब लोग सुबह शाम बस चलते रहते हैं बालाजी के दर्शन के लिए। और हर जगह बीच बीच में टेंट लगे हुए हैं भक्तों के विश्राम के लिए। और ये सालासर 40 किलोमीटर और रह गया है, और बहुत ही सुंदर लगता है। बसें भी भर भर के जाती हैं, एक अलग ही ना फील आती है, और अपने आप इतनी भक्ति में ना शक्ति होती है, जो इस धूप को भी नहीं देखती है और ना इस दूरी को देखती है, और वो सालासर बालाजी के धाम तक पहुंच जाते हैं। और अब हम काफ़ी निकट पहुंच गए हैं, उसके आसपास बहुत सारे होटल्स भी बने हुए हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो सालासर बालाजी का मेन द्वार है ना, ये देखे, यहाँ से बालाजी की एंट्री है, उनके मंदिर तक पहुंचने के लिए यहीं से एंट्री होती है, और बहुत विशाल गेट है। और यहाँ से एंट्री करने के बाद हम पहुंच गए हैं अंदर, और यहाँ पर लगी हैं चारों तरफ प्रसाद की दुकानें और ध्वजा की दुकानें, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। और बालाजी को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो लड्डू का चढ़ाया जाता है, चूरमा लड्डू का, उसकी भी यहाँ पर दुकानें लगी हैं। प्रसाद की सारी व्यवस्था की गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, पूरा मेला टाइप से लगा रहता है यहाँ पर। और जो बालाजी के लिए सवामनी करी जाती है, उस प्रसाद की भी यहाँ पर व्यवस्था है। और ये देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखाते जा रही हूँ, बहुत सारी मिठाइयाँ प्रसाद लगा हुआ है। और मिठाइयों में यहाँ पर ज़्यादातर लड्डू पेड़े और चूरमा और पंचमेवा बनता है। और अभी हम आ गए हैं एक तिराहे के पास, यहाँ पीछे से चलते हम आ रहे थे ना, तो ये तिराया आ जाता है। और इस तिराहे पे ये देखिए एक इधर चला जाता है, और एक ये मेन गेट जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, राइट साइड में मेन जो गेट है उस तरफ चला जाता है। और ये जो इस साइड है, यहाँ पर भी दूसरे द्वार हैं एंट्री करने के लिए। और यहाँ दान पात्र रखा है गौशाला के लिए, और ये खड़े, इन्होंने प्रसाद ले लिया है, ध्वजा ले ली है, और क्या क्या लिया है मैं देखती हूँ, पंचमेवा भी बोला था मैंने, वो सब ले लिया है। ये देखिए ध्वजा तो ले ली है, और बालाजी की फ़ोटो बनी हुई है, जय श्री राम लिखा हुआ है, अच्छी ध्वजा लग रही है बहुत ही। और ये देखिए नारियल लिया है, और बालाजी को जो चढ़ाई जाएगी जो ध्वजा वो भी है, और कलावा है हाथ में जो बांधते हैं, और पंचमेवे का प्रसाद ले लिया है। अभी हम लड्डू और पेड़े वगैरह भी लेंगे, चूरमे का लड्डू जो है वो मेन प्रसाद होता है यहाँ का। अभी आगे जाके एक है दुकान, उससे हम लेंगे। और ये जिधर हम जा रहे हैं ना, इधर भी मंदिर में प्रवेश करने का द्वार है। यहाँ पर सिर्फ एक द्वार नहीं है, यहाँ पर 3-4 द्वार है मंदिर में एंट्री करने के लिए। और ये वो शॉप आ गई है जहाँ से हमें मिठाई वगैरह लेनी है और फूल वगैरह लेने हैं। फूल में मैंने एक माला ली है, मतलब हार लिया है फूलों का बजरंग बली जी के लिए, तो ये हमने ली है एक। और ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ ये प्रसाद रखे हैं, लड्डू वगैरह और पेड़ा वगैरह रखे हैं सब, तो बहुत अच्छी दुकान है। ये देखिए श्री राम स्वीट्स करके है। और यहीं पर हम देखिए आपको दिखाते हैं कि एक ये है प्रवेश द्वार, पर हम इस प्रवेश द्वार से नहीं जाएंगे, हम जो मेन प्रवेश द्वार है उस साइड जाएंगे। तो हम वहाँ से वापस लौट आए हैं, और उस तिराहे से जो मैंने आपको रास्ता दिखाया था ना राइट साइड में, उस तरफ मुड़ गए हैं। ये देखिए इस तिराहे से इस तरफ आ गए हैं हम। और यहाँ की ना एक पहचान है, मैं आपको दिखाती हूँ पलट कर, यहाँ पर ना शिवजी भगवान की एक मूर्ति लगी है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ पलट कर,
ये देखिए, और यहाँ पर एक फव्वारा भी चलता रहता है, ये पहचान है, ये मेन गेट की तरफ जाता है रास्ता। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम का प्रवेश द्वार। ये मेन प्रवेश द्वार है, पुराना प्रवेश द्वार है, और सारे छोटे छोटे प्रवेश द्वार हैं, उनसे भी चले जाते हैं। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो अलग अलग सभी प्रवेश द्वारों से जाते हैं। वैसे तो हमेशा वो खुले रहते हैं, और इसीलिए इतने प्रवेश द्वार बनाए हैं कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा ना हो, कुछ लोग भक्तजन वहाँ से निकल जाएं, कुछ यहाँ से चले जाएं। और अभी हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बनाया है, और यहाँ से हमने एंट्री कर ली है। और ये देखिए आगे आगे जा रहे हैं ध्वजा हाथ में लेकर, और देखिए चारों तरफ जो पिलर्स वगैरह हैं ये केसरिया रंग से रंगे हुए हैं, और बहुत साफ़ सफाई भी है पता है यहाँ पर, और बिल्कुल भी व्यवस्था ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे से व्यवस्था से लोग चलते हैं, बिल्कुल अनुशासन में। और चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगते हैं। और मैं आपको सफाई दिखाती हूँ, बहुत साफ़ सफाई है, बहुत लोग यहाँ पर सेवा में लगे रहते हैं, और पंखे वगैरह हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे हुए हैं, बिल्कुल गर्मी वगैरह भी नहीं लगती है, और बिल्कुल सिस्टम ख़राब नहीं होता। ये देखिए चारों तरफ कैसे लाइंस बनाकर जा रहे हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी ना, सवामणि प्रसाद के लिए जो व्यवस्था की गई है वो अंदर भी है मंदिर में, एंट्री करने के बाद यहीं से आप प्रसाद कीजिए किसी को सवामणि लगानी हो तो। और बालाजी के लिए जो सवामणि की जाती है उसकी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, यहीं से खरीदें और यहीं पर बांट दें। और अभी हम चढ़ गए सीढ़ियों पर, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर मंदिर का परिसर। और ये देखिए अंदर भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है, और ये जो भक्तजन है ये बालाजी के दर्शन करके आ गए हैं, और अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जो ये आ गए हैं यहाँ पर, ये कोई प्रसाद ले रहा है, कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई अपने मन्नत मांगकर मनोकामना पूर्ण होने के लिए नारियल बांध रहा है। और नारियल कहाँ बांधते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो एक पेड़ है दिख रहा है आपको, ये खेजड़ी का पेड़ है, इसको हरियाणा राजस्थान में जाटी का बोला जाता है, जाटी का पेड़ भी बोला जाता है। और यहाँ पर भक्तजन नारियल बांधते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, कि जब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो हम वापस आएंगे और यहाँ से ये नारियल खोल कर जाएंगे। और मंदिर परिसर में जिस जगह पर ये पेड़ है उसी जगह पर बालाजी के भक्त संत मोहनदास जी तपस्या करते थे, पूजा करते थे बालाजी की, और यहीं पर अपना धुना लगाते थे। और यहीं पर ये पेड़ है तो यहीं पर लोग नारियल बांधते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और वहीं आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर प्रसाद मिलता है। और चलिए अभी मोहनदास जी का जिक्र आया है, मैंने आपको बताया, शुरुआत की है उनके बारे में बताने की, तो आगे भी मैं बताती हूँ कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, यहाँ पर बालाजी की स्थापना कैसे हुई। सालासर बालाजी की कथा के अनुसार कहा जाता है कि सन 1811 में बालाजी के एक परम भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था संत मोहनदास जी महाराज, और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इनको स्वप्न में दर्शन दिए थे और कहा था कि जो तू चाहे वो मांग ले। तभी मोहनदास जी ने बालाजी से, खुद बालाजी को ही मांग लिया था, और बालाजी ने वचन दिया था कि मैं सालासर तेरे पास जरूर आऊँगा। उसके पश्चात कुछ समय बाद राजस्थान के नागौर ज़िले में असोटा गांव में एक जाट अपने खेत में हल चला रहा था, और उसके हल से एक पत्थर टकराया, और उस पत्थर को जब उसने निकाला और पोंछ कर देखा तो बालाजी की प्रतिमा बनी थी। तभी जाट की पत्नी जाट के लिए खाना लेकर आई थी और उसमें चूरमा लाई थी, और जाट ने चूरमे का भोग बालाजी को सर्वप्रथम लगाया, तभी से बालाजी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। और जाट ने बालाजी की प्रतिमा को गांव के प्रधान को सौंप दिया, और गांव के प्रधान ने वह प्रतिमा अपने मंदिर में रख ली। रात को बालाजी ने प्रधान के स्वप्न में आकर कहा कि मुझे बैलगाड़ी में बिठाकर सालासर पहुंचा दिया जाए, और जब सालासर बैलगाड़ी पहुंच जाए तो वहां बैलगाड़ी को छोड़ दिया जाए, जहां बैलगाड़ी अपने आप रुक जाएगी वहीं पर मेरी स्थापना कर दी जाए। अगली सुबह प्रधान ने बैलगाड़ी को सजा धजा कर और प्रतिमा को उसमें रख कर सालासर की तरफ रवाना कर दिया, और सालासर के बाहर बैलगाड़ी को छोड़ दिया गया, जहाँ बैलगाड़ी खुद जाकर रुक गई वहीं पर बालाजी की प्रतिमा की स्थापना की गई, और इनकी स्थापना मोहनदास जी के हाथों से ही की गई, और वहीं पर फिर मोहनदास जी
अपनी पूजा अर्चना करने लगे और वहीं पर वो रहने लगे। और ये लीजिए, अभी हम बालाजी की मूर्ति जहाँ स्थापित है उसके गेट पर बिल्कुल पहुँच गए हैं, जो सामने आपको लाइटिंग दिख रही है येलो येलो कलर की, और यहीं पर बालाजी की मूर्ति स्थापित है। तो अभी हम गेट के अंदर जाएंगे यहाँ से, और अंदर का आपको दृश्य हम दिखाएंगे। यहाँ पर भक्त जनों की भीड़ उमड़ी हुई है, आरती हो रही है, और सामने ये सालासर बालाजी की प्रतिमा लगी हुई है, सोने में बनी हुई है, भक्त जनों द्वारा खुशी से चढ़ाई हुई है। और ये लीजिए, आप सालासर बालाजी के दर्शन कीजिए, ये सोने के सिंहासन पर इनको स्थापित किया गया है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ अकेला यही सालासर बालाजी का मंदिर है जहाँ पर बालाजी दाढ़ी मूंछ के रूप में स्थापित है, क्योंकि इसी रूप में संत मोहनदास जी को बालाजी ने दर्शन दिए थे, इसलिए इनको इसी रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। झोली फैलाकर भक्तजन बालाजी से मांगते हैं, श्रद्धा के साथ उनके सामने नतमस्तक होते हैं और बालाजी पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। और बालाजी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। और बस यहाँ पर दर्शन करके हम आगे निकले हैं। अभी हम जा रहे हैं संत मोहनदास जी की समाधि स्थल की तरफ, और यहाँ भी बालाजी की प्रतिमा लगी हुई है, और यहाँ साथ में ही संत मोहनदास जी की भी प्रतिमा लगी है। इनको भी हमने प्रणाम किया, इनके भी दर्शन किए, और आपको फ्रेंड्स हमने बालाजी महाराज के दर्शन कराए। बालाजी महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करें और आपको भी दर्शन के लिए ज़रूर बुलाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। और अभी हम दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं, ये एग्जिट गेट है देखिए, और अंदर दीवारों पे केसरिया रंग करा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिला। और मैं आपको दिखाती हूँ एग्जिट गेट की भी, ये देखिए ये एग्ज़िट गेट है यहाँ से, और ये बराबर में बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं अलग अलग नाम से, ये देखिए। और बाहर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, बहुत भीड़ है, बहुत ही अच्छी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, बहुत अच्छे इंतज़ाम है। ये देखिए, ये मंडेलिया धर्मशाला है, अलग अलग नाम से बहुत सारी धर्मशालाएं हैं यहाँ, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अगर आप आएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं, कुछ भी पूछो तो बताते हैं। और जगह जगह पर सवा मणि के प्रसाद का इंतज़ाम है, और ये देखिए हर वक्त लड्डू वगैरह बनते रहते हैं यहाँ पर, लड्डू पेड़े ये सब बनते ही रहते हैं। ये देखिए पेड़े, यहाँ के पेड़े भी बहुत ही फेमस हैं, और ये दुकानें लगी हैं मंदिर के परिसर के आसपास, प्रसाद की दुकानें, बच्चों के खिलौनों की दुकानें, कुछ भी आपको चाहिए सारी दुकानें लगी हुई हैं। और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो ये मैंने कचौरी मंगवाई है, और ये देखिए हम खा रहे हैं कचौरी। बहुत भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, बस रास्ते में एक बार चाय पी थी, बस उसके बाद अभी हम कचौरी खाने के लिए बैठ गए हैं, और बहुत अच्छी बनी है। और कचौरी खा के फिर हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, और बस शॉपिंग करके फिर हम निकलेंगे वापस घर के लिए। और अभी कुछ खा पी के हमने थोड़ी शॉपिंग करने की सोची है, तो ये मैं कुछ ध्वजा लेके जा रही हूँ घर पे लगाने के लिए। कितने सुंदर सुंदर ध्वजा है ना बालाजी की, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये इन्होंने सजा भी इतने अच्छे से रखा है। तो एक मैं यहाँ से ध्वजा ले लूँगी, और बालाजी का यहाँ पर सिंदूर भी बहुत मिलता है, यहाँ पर केसरिया कलर का भी है और रेड कलर का भी है। और ये देखिए जो सिंदूर रखने की जो डिबिया है ना, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, कि मैंने ये भी खरीदी है। और फ्रेंड्स हम दर्शन करके आ गए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, और मैंने आपको सारा दिखाया, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना मैंने आपको दिखाया। और कई जगह पे अलाउ नहीं था जाना, मतलब ज़्यादा देर कैमरा हम ऑन नहीं रख सकते थे, तो बस कुछ सेकेंड के लिए मैंने कैमरा ऑन रखा, तो जो मैं ना दिखा पाई हूँ तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट जितना मैं दिखा सकती थी उतना मैंने दिखाया। और फ्रेंड्स बस अभी हम घर के लिए निकलेंगे, काफ़ी दूर जाना है, और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर आना यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है, जो भी आपके मन की मुराद हो, जो भी आपको चाहिए बालाजी से, आप सच्चे मन से मांगिए, आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं निकल रही हूँ वापस घर के लिए, और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और भी आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर आंसर दूंगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।